की भाई सिस्टर सुगम भारती का पाठ नो बड़े में पाठ का नाम है हमें न बांधो प्राची बहने। इस पाठ के कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। सबसे पहले ये जानेंगे कि हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ेंगे। प्रकृति के सौंदर्य से परिचय, प्राणी मात्र की स्वतंत्र रहने की भावना का ज्ञान, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों का बोध। हम कविता को पढ़ते जाएंगे और फिर समझ सकेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधन गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी मतलब पक्षी, उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, गगन मतलब आसमान, पिंजर बंध मतलब पिंजरे में बंद। कनक तिलियों, कनक मतलब सोने की जो तिलियां होती है वो, और पुलकित मतलब आनंदी। तो क्या कहते हैं पक्षी कि हम स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले जीव हैं, हमें स्वतंत्र आसमान पसंद है, पिंजरे में बंद उन्हें पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कनक तिलियों से टकराकर मतलब कनक तिलियों मतलब जो सोने की सलाखें हैं, जो पिंजरा होता है उसका, उसकी जो सलाखें हैं उसमें रखकर उनके पुलकित पंख मतलब आनंदित पंख जो आसमान में उड़ने वाले पंख होते हैं उनके, वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। वे उड़ नहीं पाएंगे और पिंजरे क्यों, क्योंकि पिंजरा जो होता है वो काफी छोटा है होता है जहां पे वो अपने पंख नहीं फैला पाते हैं। हम बहता जल पीने वाले, वो पंछी कैसे हैं, बहता जल पीने वाले मतलब जब वो आसमान में उड़ते हैं तो जहाँ पर भी उड़ते हैं उन्हें बहता हुआ पानी दिखाई देता है। बहता हुआ पानी कहाँ होता है, जैसे नदी तालाबों में पानी होता है, तो वो कैसा पानी पीते हैं, स्वच्छ पानी जो बहता जल होता है वो पीते हैं। और मर जाएंगे भूखे प्यासे मतलब उन्हें बहता हुआ जल पसंद है, और अगर उन्हें पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो वहाँ पे भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निगोरी, कनक कटोरी की मेगा से मतलब कटुक मतलब होता है कड़वा, और निगोरी मतलब नीम के फल। तो उन्हें क्या पसंद है, कहीं भली है कटुक निगोरी मतलब उन्हें अगर उन्हें वो स्वतंत्र है और उन्हें कड़वे जो नीम के फल होते हैं वो भी मिल जाए तो उन्हें वो पसंद है। पर कनक कटोरी की मेदा से, कनक कटोरी मतलब कि सोने की कटोरी में उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी अगर उस पिंजरे में दे तो वो उसे नहीं खाएंगे, बल्कि स्वतंत्र रहकर वो कड़वी निम्बोली खाना पसंद करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, सब बस सपनों में देख रहे हैं तरु की कुंडली पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला मतलब जो सोने की श्रृंखलाएं हैं उनके बंधन में, बंधन मतलब उनके दायरे में, क्या हो जाएंगे, अपनी गति उड़ान मतलब जो ऊंचे आसमान तक उड़ने की जो इनकी इच्छा है, जो उनकी उड़ान है वो हुए क्या करेंगे, भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं और वो केवल अपने सपनों में ही देखेंगे क्या, तरु की फुनगी, फुनगी मतलब जो पेड़ का अंतिम सिरा होता है जो पतलीला, वहां पे झूलने का उनका जो सपना है बस वो सपना ही रह जाएगा, पिंजरे में नहीं रहकर वो अपने इन सारे सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसे थे अरमान की होती नील गगन से घोड़ा घोड़े, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अरमान मतलब इच्छा, नील गगन मतलब नीला आसमान, घोड़ा घोड़ी मतलब कि आगे बढ़ने की जो उनकी होड़ होती है एक दूसरे से कि नहीं हम आगे बढ़ जाएंगे इस तरीके से। क्षितिज मतलब जहां पर हमें ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आकाश दोनों आपस में मिल रहे हैं। सांसों की डोरी मतलब तंती मतलब ऐसे हमारी सांस जैसे हम लोग दौड़ के आते हैं वैसे सांस खुल जाती है इस तरीके से। तो क्या कहते हैं पंछी कि ऐसे थे अरमान की होती, उनके अरमान कैसे थे कि उन लोगों क्या होता कि वो लोग एक दूसरे से ऊंचे आसमान में कौन सबसे आगे बढ़ेगा, इस तरीके की उनमें क्या होती होड़ होती मतलब कि वो एक दूसरे से आगे बढ़ने का प्रयत्न करते। या तो क्षितिज मिलन बन जाता मतलब या तो वो कहां तक पहुंच जाते जहां पर आसमान और
क्या दिखाई देता है? आकाश, जो पृथ्वी है वो आकाश से मिलते हुए दिखाई देती है और वहां तक पहुंचते पहुंचते उनकी सांसें फूल जाती है। निम्न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। निम्न मतलब होता है घोंसला, टहनी मतलब जो पेड़ की पतली शाखाएं होती है वो, आश्रय मतलब उनका रहने का स्थान, छिन्न भिन्न करना मतलब बिखेर देना, आकुल मतलब बेचैन, विघ्न मतलब उसमें कोई परेशानी आए। तो क्या कहते हैं पंछी कि निर्णय दो चाहे टहनी पर, चाहे हमें टहनी पर अपना घोंसला मत बनाने दो या हमारा आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, मतलब जो हमारा घोंसला है रहने का स्थान है उसको तुम छिन्न भिन्न करना मतलब उसे बिखेर दो या उसे तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं तो, मतलब हमें जो पंख दिए हैं भगवान ने, क्यों दिए हैं? उड़ने के लिए, इसलिए हमारी जो बेचैन आकुल मतलब बेचैन उड़ान में विघ्न मत डालो, उस हमारी जो उड़ान है उनमें तुम विघ्न मतलब बाधा मत डालो। पागल प्राण बंधेंगे कैसे नम की धुंधली दीवारों में, हमें न बांधो प्राचीरों में। अब कभी क्या कहता है कि हमारे जो पागल प्राण है वो कैसे हैं, तुमसे नहीं बंधेंगे नम की धुंधली दीवारों में। नम मतलब आसमान, आसमान की जो धुंधली दीवारें हैं जो दिखाई नहीं देती, आसमान में कोई दीवार दिखाई देती क्या नहीं, लेकिन पक्षी क्या कहते हैं कि जो नम की धुंधली दीवारें हैं उनमें हमें न बांधो प्राचीरों में और हमें तुम चार दीवारों में कैद मत करो। ये पाठ हमारा यहीं समाप्त हुआ। इस पाठ में प्रश्न नंबर 3 में कविता में भूखे प्यासे शब्द आया है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं उनके बीच में आपको योजक चिन्ह लगाना है। फिर ये विलोम शब्द, तो विलोम शब्द मतलब होता है जो उल्टा अर्थ देते, विपरीत अर्थ बताते हैं, तो आपको विलोम शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ उनको लिखना है, जैसे आकाश का अनुवर्ती, स्वाधीन का पराधीन, सुबह का शाम, अमृत का विष। उसके बाद ये लिंग परिवर्तित करना, लिंग बदलना है आपको, चूहा का चूहिया, बालक का बालिका, सेवक का सेविका, पापी का पाप, बंदर का बंदरिया, घोड़ा का घोड़ी, लेखक का लेखिका। इस तरीके से आपको इन शब्दों को परिवर्तित करना है। Thank you.